ये तो जन्म जात से अहंकारी था। वो कहते हैं बिल्ली के भाग्य छिक्का टूट गया और हमारा दुर्भाग्य रहा कि जिस व्यक्ति ने यही बात नहीं कहने का ईवीएम का मोदी का या ईवीएम का मनोहर लाल का क्या संबंध है। मतलब ये जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। पहले तो मनोहर लाल जी ये बताएं कि बिजली के भाव क्या हैं। आज जो इन्होंने मीटर बाहर लगाए हैं, मैं राजचंदाना गांव में था, एक एक व्यक्ति का 10,000 से लेकर के 40,000 रुपये तक बिल था। एक गरीब आदमी जो केवल एक कमरे में रहता है, उसके परिवार में एक या दो पंखा दो बल्ब जलते हैं, 10,000 रुपये बिल है। इसका मैंने बताओ ना ये क्या है, इसका मैंने बताओ ना। कल ही सोंगरी गाँव का एक शर्मा का मोटरसाइकिल का चलान हुआ और 16,000 रुपये उसके जुर्माना किया। इसका मैंने बताओ लोगों को क्या है। इस ऐसे अजूल फजूल बात करते ही भी हम नहीं जानते क्या उसका मायना क्या है। ये ज्यादा पढ़ा लिखा है क्या? अनपढ़ आदमी के हाथ में आप लोगों ने बागडोर दे दी तो और हरियाणा खाली करेंगे। तो जिस तरह लोगों हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता के सेवक है सही मायने में। ना मैंने आज तक तो किसी को ईवीएम का मायना समझाया, ना मैंने दूसरे ड्रामे करे। बीजेपी तो ड्रामेटिक पार्टी है। ये अच्छा मनोहरलाल ड्रामेटिक तो हो सकता है। अब देखिए एक मुख्यमंत्री फरसा लेकर के किस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ता को कहते हैं कि तेरी गर्दन काट दूंगा, ये तो बदमाश की बात है। आप एक लंबे नहीं, एक पार्टी कौन भारतीय जनता पार्टी कहीं स्टैंड ही नहीं करेगी। आज हरियाणा प्रदेश में सत्ता आएगी कांग्रेस पार्टी की, दूसरी पार्टी का कोई लेना देना नहीं। तो अब हमने काम किया है, काम करेंगे, हर जन का सम्मान करेंगे।